दोस्तों, अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है, एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से
कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सायरन विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है।
जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है।
कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में, तो
को सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुँचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं।
सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं
नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुँचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू,
चांदनी तमिलारासन, तुलसी सुमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग
कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम, चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है।
एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत ही बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए
दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी बागेराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में, तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है, एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से
कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है।
जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है।
कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो
को सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुँचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार
बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है
है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू,
चांदनी तमिलारासन, तुलसी सुमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि
जयम रवि कीर्ति सुरेश अनुपर्मा परमेश्वरम समूर थिरकानी योगी बाबू चांदनी तमिलारासन तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के
बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम, चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए
दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया, तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है, तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में, तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है, एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है, एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से
कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है।
जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है।
कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में,
तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुँचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम में चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में, तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते
सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म में दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू, चांदनी तमिलारासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं
नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी सायरन मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सायरन मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 16 फरवरी 2024 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी सायरन, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंथोनी भाग्यराज, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग बारे में। तो इस मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 7.3 की रेटिंग दी गई है। एंड दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस मूवी को 5 में से 2.3 की रेटिंग दी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 94% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जयम रवि, कीर्ति सुरेश, अनुपमा परमेश्वरम, समूर थिरकानी, योगी बाबू,
चांदनी तमिल आरासन, तुलसी शिवमणि आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों ये मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 34 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहां पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको हाल ही में तो आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों ये मूवी आपको आने वाले टाइम में आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये मूवी आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन थोड़ा सा इस मूवी के बारे में। तो सारण विश्वासघात और अन्याय की कहानी है। फिल्म में एम्बुलेंस ड्राइवर का किरदार निभा रहे जयम रवि एक ताकतवर व्यक्ति के मर्डर केस में फंस जाते हैं। बेगुनाही के सबूत होने के बावजूद उन्हें 14 साल की जेल हो जाती है। अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को दुख और संघर्ष में गिरता देखे हीरो यानी जयम रवि अपने तरीके से किलर तक पहुंचते हैं। फिल्म दर्शकों में सस्पेंस बनाए रखने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है। कहानी की शुरुआत ही एक हत्या से होती है, यानी पहला ही सीन सनसनी पैदा कर देता है। सायरन की शुरुआत बेशक एक क्राइम थ्रिलर के रूप में होती है, परंतु बाद में इसमें बहुत इमोशनल ड्रामा होता है। इंटरवेल के बाद फिल्म माइंडलेस रिवेंज थ्रिलर है, जो कि आपको एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए। सिनेमेग्राफी के लिहाज से फिल्म दमदार है। एक्शन सीन्स को कैमरे के नज़रिए से बेहतर शूट किया गया है, वे दर्शकों को रोमांचक और उत्तेजित करते हैं। फिल्म की एक लोकेशन से कि दर्शकों को बांधे रखती है। सायरन कांचीपुरम चेन्नई सहित कई जगहों पर शूट की गई है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आने वाले टाइम में दोस्तों आपको ये मूवी डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक आसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।